नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बंदी टपरिया के लोग खतरों से भरा रास्ता अपनी जान जोखिम में डालकर एक लकड़ी की अस्थायी पुल बनाकर नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे ग्राम टपरिया से आवागमन करने के लिए सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है और इस रास्ते में पक्की सड़क तक नहीं, मिट्टी कीचड़ के रास्ते आवागमन करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो आज भी एक चारपाई पर उसे लिटाकर कीचड़ के बीच रास्ते से चलकर इस लकड़ी के अस्थायी पुल से नाला पार करके जाना पड़ता है। बारिश के समय यह नाला तीन तीन दिन तक नहीं उतरता। इसी स्थिति में महिलाएं, पुरुष, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग इसी लकड़ी की अस्थायी पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करने के लिए मजबूर रहते हैं। वही ग्रामीण बताते हैं कि इस अस्थायी लकड़ी के पुल से नाला पार करते समय कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। लगातार कई वर्षों से शासन प्रशासन से इस नाले के लिए मांग की जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक किसी ने हम ग्रामीणों की सुध तक नहीं ली। वही जब तेंदुखेड़ा एसडीएम संघमित्रा गौतम से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि इस नाले के लिए प्रस्तावित पत्र भोपाल भेजा गया, इसकी अनुमति भी मिलती है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कब शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध लेते हैं, कब इस नाले पर पुल का निर्माण किया जाता है, या फिर ऐसे ही ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते रहेंगे। ग्राम पंचायत बंदी में जो टपरियन मोहल्ला है उसके संबंध में मामला संज्ञान में आया है। सीओ जनपद से इसमें चर्चा की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि इस संबंध में पुलिया के लिए प्रस्ताव भोपाल गया है और जैसे ही वहाँ से अनुमति मिलती है तो आगे कार्रवाई। ग्रामीणों का कहना है मैम लंबे समय से मांग की जा रही है और हर वर्ष इसी तरीके से लोगों को आवाहन करते हैं, जान जोखिम में डाल के बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाएं उसको लकड़ी की ब्रिज से निकल रहे हैं। प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है, जैसे ही अनुमति मिलती है प्रयास किया जाएगा यथाशीघ्र उसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं। किस गाँव की रहवासी? कितनी संख्या टपरियों की? सभी लोग इसी से निकलते? सभी लोग इसी से निकलते। तो जान का खतरा नहीं रहता? जान का खतरा रहता है, मनुष्या का मजबूरी है। कब से निकल रहे हैं आप इसके साथ? हमें 3 साल हो गए। कहीं इसकी मांग की गई है? मांग की गई थी, सांसद विधायक जी से मांग की गई थी। हमने शासन प्रशासन को बार बार प्रस्ताव के माध्यम से वो निवेदन किया और कलेक्टर मैडम भी आई, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा और बार बार हम सीओ सर से भी बोल चुके हैं।